Business News is brought to you by Winner Institute. नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 अरब डॉलर का होगा डेटा साइंस शिक्षा बाजार, 5 वर्ष में 57% बढ़ेगी नौकरियां। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की बड़ी आफत, 1,00,000 करोड़ के GST नोटिस। मशहूर स्विस वॉच मेकर रैडो ने बॉलीवुड सुपरस्टार कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। यह रोमांचक भागीदारी जिंदगी भर बनी रहने वाली यादों के लिए रैडो की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। अपनी वर्सेटाइल प्रतिभा और करिश्मा के लिए प्रसिद्ध कैटरीना कैफ का व्यक्तित्व रैडो के मूल्यों के अनुरूप है। इस रोमांचक भागीदारी का खुलासा एक दिलचस्प कैंपेन वीडियो से हुआ है, जो कि दर्शकों को रेगिस्तान के आकर्षक परिदृश्य में लेकर जाता है। कैटरीना एक सदाबहार आधुनिक महिला के रूप में अपनी कलाई पर नई सेंट्रिक पहनकर वक्त से प्यार करती दिखाई देती है। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंटेलिजेंस एजेंसी उकला द्वारा किए गए स्पीड टेस्ट अवार्ड में रिलायंस जियो ने सभी 9 अवार्ड जीत लिए हैं। वर्ष 2023 के पहली और दूसरी तिमाही के नेटवर्क परफॉर्मेंस के आधार पर यह अवार्ड दिए गए। अवार्ड जीतने पर खुशी जाहिर करते हुए रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि जियो की कल्पना भारत में एक डिजिटल सोसाइटी बनाने की थी, जहां प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाए। भारत में जितना भी 5G नेटवर्क रोल आउट किया गया है, उसमें से 45% जियो ने किया है। हम हर 10 सेकंड में एक 5G सेल लगा रहे हैं। फास्टेस्ट मोबाइल नेटवर्क, बेस्ट मोबाइल कवरेज, बेस्ट मोबाइल नेटवर्क, बेस्ट मोबाइल गेमिंग एक्सपीरियंस, बेस्ट मोबाइल वीडियो एक्सपीरियंस, टॉप रेटेड मोबाइल नेटवर्क, फास्टेस्ट 5G मोबाइल नेटवर्क, बेस्ट 5G मोबाइल गेमिंग एक्सपीरियंस और बेस्ट 5G मोबाइल वीडियो एक्सपीरियंस श्रेणियों में जियो ने अवार्ड जीते हैं। GST अधिकारियों ने कर चोरी के मामले में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अभी तक 1,00,000 करोड़ रुपए के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। हालांकि अधिकारी ने कहा कि 1 अक्टूबर के बाद से भारत में पंजीकृत की गई विदेशी गेमिंग कंपनियों का कोई डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। सरकार ने GST कानून में संशोधन किया है, जिससे 1 अक्टूबर से विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया। GST परिषद ने अगस्त में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग मंच पर लगाए गए दाव के पूर्ण मूल्य पर 28% GST लगाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक GST अधिकारियों द्वारा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के नोटिस भेजे गए हैं। ड्रीम 11 जैसे कई ऑनलाइन गेमिंग मंच और डेल्टा कॉर्प जैसे कैसिनो संचालकों को करों के कथित पुनः भुगतान न करने के लिए कारण बताओ नोटिस मिले हैं। भारत में डेटा साइंस की पढ़ाई का बाजार वर्ष 2028 तक सालाना 57.5% की दर से बढ़कर 11,562 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। डेटा साइंस एजुकेशन का घरेलू बाजार फिलहाल 1,698 करोड़ रुपए का है। एड टेक प्लेटफॉर्म एमआरटीकस लर्निंग और हैदराबाद से टेक पोर्टल एनालिटिक्स इनसाइट के एक संयुक्त अध्ययन से यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि डेटा जॉब अगले 5 साल में यानी 2028 तक मौजूदा 2.1 लाख से 57% बढ़कर 3.3 लाख हो जाएंगे। अप्रैल सितंबर के दौरान तस्करी किए गए सोने की जब्ती करीब 43% बढ़कर 2000 किलोग्राम हो गई है। इसमें से अधिकतर सोना म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के जरिए भारत में लाया गया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पिछले साल अप्रैल सितंबर में 1400 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 3800 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। अग्रवाल ने कहा कि पिछले साल की तुलना में सोने के शुल्क संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि तस्करी अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बाजार में सोने की मौजूदा कीमतों पर निर्भर हो सकती है। इस वर्ष अप्रैल से सितंबर 2023 तक तस्करी किया गया 2000 किलोग्राम सोना जब्त किया गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में 1400 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था। अग्रवाल ने कहा कि सोने की तस्करी मुख्य तौर पर म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के जरिए भूमि सीमा से की गई। DRI की 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सोने की तस्करी सोने के वैध आयात पर आयात शुल्क के साथ साथ सोने की भारी मांग से बढ़ी है। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 अरब डॉलर का होगा डेटा साइंस शिक्षा बाजार, 5 वर्ष में 57% बढ़ेगी नौकरियां। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की बड़ी आफत, 1,00,000 करोड़ के GST नोटिस।
बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।